हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपके साथ बहुत ही इजीली केक घर पर ही कैसे बनाया जाता है वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे बिस्किट लिया हुआ है, बॉर्बन बिस्किट लिया है। इससे केक बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप चाहे तो कोई भी चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट ले सकते हो, जैसे कि टाइगर बिस्किट, या फिर ऐसे कोई भी चॉकलेट फ्लेवर का क्रीम बिस्किट भी ले सकते हो, या फिर विदाउट क्रीम भी ले सकते हो। इसमें ऑलरेडी हल्का सा शुगर ऊपर रहता है, तो मैं कोई शुगर नहीं ऐड करूँगी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा आप शुगर ऐड करके ले सकते हो। इन सभी को मैं एक मिक्सी जार में ऐड करके अच्छे से पाउडर बना कर ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्सी जार में ऐड करके लिया हुआ है। इसे मैं क्या करूँगी, एक अच्छे से पाउडर बना कर ले लूँगी, एकदम फाइन पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बना कर ले लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से ये पाउडर बन गया है। तो इसे मैं एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब ये लॉकडाउन का समय है, बर्थडे, एनिवर्सरी या फिर ऐसे कोई भी फंक्शन आ जाएगा तो हमें केक तो नहीं मिलता है, तो इसलिए इस तरह से आप घर पर बना सकते हो। वो भी मैंने ऐसे रेसिपी शेयर किया है जो बहुत ही सस्ते में बन जाएगी। ये टाइम में आपको ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने ऐड किया है मिल्क। आप चाहे तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मिल्क ही कंपलसरी है। हल्का थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है और इसे इस तरह से मिक्स करना है। तो एक्चुअली क्या बोल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ही मिल्क ऐड कर मिक्स कीजिए ताकि हमें केक के बैटर जैसे बन जाए। तो ज़्यादा सा मिल्क ऐड करोगे तो मिल्क या पानी जो भी ऐड करोगे तो फिर पतला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह से बैटर तैयार करके लेना है, जो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। और आप देख सकते हो इसका कलर से ही पता चल रहा है ये चॉकलेट केक ही बनने वाला है। तो यहाँ पे मिक्स कर रही थी और यहाँ पर मैंने कुकर में पानी डालकर गरम होने के लिए रख दिया है। गरम होते होते मैं यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। अगर आप ओवन में बना रहे हो तो आप प्री हीट के लिए रख सकते हो थोड़ा सा। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छे से आ गया है, केक के लिए जैसा चाहिए वैसे। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी ईनो। अगर आपके पास ईनो नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हो। मैं इसमें ऐड की हूँ ईनो। अब ईनो ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है, एक ही डायरेक्शन में मिलाना है। ईनो ऐड करने के बाद इससे केक अच्छे से फूल जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट बन जाएगा केक, इसलिए मैं ईनो ऐड कर रही हूँ। फूलने के लिए आप चाहे तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हो इसमें, बट उससे सबसे बेस्ट है ईनो ऐड करना। इससे टेस्ट भी इतना डिफरेंट नहीं लगेगा और बहुत ही सिंपल है, अवेलेबल भी होता है हर जगह पे, तो मिल जाता है। इसके बाद में मेरे पास कोई केक का टिन नहीं है तो मैं इस तरह से एक एल्युमिनियम का बर्तन ले रही हूँ। उसमें मैं हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर दूँगी, जस्ट नीचे से नहीं चिपके, इसलिए मैं थोड़े से हाथों में ऑयल लेकर इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी पूरे बर्तन में अच्छे से। इसके बाद हमने जो बैटर तैयार करके लिया हुआ था उसे हमें इसमें ऐड करना है। ये देख सकते हो कितना अच्छा यम्मी लग रहा है ये मिक्सचर, बहुत ही टेस्टी बना भी हुआ है केक। तो इसे मैं इन सबको इसमें ऐड कर दूँगी। अब ये ऐड हो गया है तो इसे अच्छे से एक बार टैप करना है और उसके बाद इसके ऊपर से आप कोई ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, टूटी फ्रूटी डाल सकते हो। मेरे पास थोड़े से काजू था तो उसे मैंने कट करके ऐड कर दिया है इसके ऊपर से। तो इस तरह से मैंने ऐड कर दिया है काजू। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, चोको चिप्स ऐड कर सकते हो, तो जैसे आपको पसंद है वैसे आप ऐड कर सकते हो। इसे मैं डायरेक्टली रख दूँगी कुकर, और फिर कुकर के जो ढक्कन का सीटी है वो निकाल दिया है और इसे 20 to 30 मिनट तक जस्ट पकने के लिए रख दिया है। आप बीच में चेक कर सकते हो कि ये अच्छे से पक गया है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं ऐसे एक चाकू के मदद से चेक करूँगी तो ये नहीं चिपक रहा है, मतलब ये अच्छे से पक गया है। तो इसी तरह से हमें चेक करना है, इसके बाद हमें इसे निकाल कर अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देना है। तो इसे मैं ठंडा होने के लिए साइड में रख दूँगी। अभी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, एक चाकू के मदद से जस्ट ऐसे साइड में इस तरह से कट लगा दूँगी। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब इसके बाद एक प्लेट रख के
इस तरह से मैं इसे उल्टा कर दूंगी और ऊपर से जस्ट टैप कर दूंगी। देख सकते हो केक कैसे अच्छे से निकल गया है, बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है ये केक, और ऊपर से हमने काजू सब डाला है तो उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आया है। अगर आपके घर में बर्थडे या फिर कोई भी फंक्शन हो तो आप इस तरह से केक बनाकर खिला सकते हो, आपके फैमिली को भी पसंद आएगा और बहुत ही सस्ते में केक बन जाएगा। मैंने जस्ट 20 रुपीज़ का बर्बन बिस्किट लिया हुआ, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ है केक। तो ये मेरी 1 ईयर की बच्ची है, वो भी इसे बहुत ही अच्छे से खाई, उसे भी बहुत पसंद आया ये केक। प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।